हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम एंटर हो रहे हैं एक ऑफिस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीवीसी की टाइल्स इंस्टॉल्ड है, तो इसको अभी हमें रिमूव करना है। ऑल्सो इस एरिया में अलग अलग सेक्शंस है, अलग अलग केबिन है, तो जैसे कि इस केबिन में जो है वॉल टू वॉल कारपेट इंस्टॉल्ड है, तो इसको रिमूव करना है। एंड यहाँ पर पूरे फ्लोर पर, पूरे एरिया में हमें विनाइल प्लैंक्स या फिर विनाइल टाइल्स इंस्टॉल करनी है। इस एरिया में भी कारपेट इंस्टॉल्ड है, ये ऑफिस एरिया है, यहाँ पर भी जो है वॉल टू वॉल वाला कारपेट जो है ग्रे कारपेट वो इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर अभी हम पीवीसी की जो प्लैंक्स है हमारे, जो पीवीसी की टाइल्स है, ये आप देख सकते हैं 1.5 mm की जो टाइल्स होती है, ये हम इंस्टॉल करेंगे वाइट कलर में। तो कुछ काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट आती है कि भी हमें टेक्सचर में वाइट कलर में चाहिए, तो आज हम आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं, तो ये जो ऑफिस एरिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले कारपेट इंस्टॉल्ड था। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि जो एडेसिव है वो सिर्फ कोनों कोनों में लगा रखा है। जिसने भी पहले के टाइम पर इंस्टॉल करा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एडेसिव है वो सिर्फ कोनों कोनों में लगा रखा है, राइट। तो ये एक चीज़ पता चलती है कि मार्केट में लोग क्यों, हमसे लोग पूछते हैं कि भैया आपके रेट थोड़े ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ही रहते हैं कि हमारी सर्विस एकदम बेस्ट क्वालिटी की मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे बॉन्ड यूज़ कर रहे हैं। अब बॉन्ड यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, आप ये देख सकते हैं जो गड्ढे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी ना इससे भर जाते हैं। अदरवाइज़ हमें यहाँ पे पीओपी भरनी पड़ती है पहले। छोटे छोटे छेदों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बड़े छेद की बात नहीं कर रहा। आगे आप देखेंगे कि हम कैसे, जो बड़ा एरिया होता है उसमें तो पीओपी भरनी पड़ती है, बट इससे बॉन्ड से लगाने का क्या फ़ायदा होता है। पहली बात तो सिर्फ एक लेयर लगानी पड़ती है आपको। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे जो गड्ढे थे वो भी इससे भर जाते हैं, तो इवन हो जाता है फ्लोर, राइट। ऑल्सो आप देख सकते हैं स्कर्टिंग पर भी हमने लगा दिया था बॉन्ड, एंड इसको हमने अब थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो यार सिंपल सी बात है, सर्विस के पैसे होते हैं, जैसी सर्विस होगी वैसे ही पैसे होंगे। अब हम एक एक करके प्लैंक्स इंस्टॉल कर देंगे। मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है वो होता है इसका पैटर्न। देख सकते हैं आप, हमने एक लाइन लगाई, अब ये दूसरी लाइन लगा रहे हैं। एकदम ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, राइट। तो आप देख सकते हैं हमने दो लाइन लगा दी, अब तीसरी जो लाइन लगेगी उसमें हम पूरा का पूरा प्लैंक लगाएंगे, उसका रीज़न बताऊंगा क्यों। तो यहाँ पर हमने पूरा प्लैंक लगाया है, एंड जब चौथी लाइन लगाएंगे ना हम, यहाँ पर चौथी रो लगेगी, उसके अंदर हम आधा प्लैंक काट के लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं। अभी हम प्लैंक को यहाँ पर कट करेंगे, ये हाफ करेंगे इसको, एंड देन इसको कट करने के बाद हम चौथी रो में लगाएंगे। बस आपको ये पैटर्न समझना है। बेसिकली दो प्लैंक्स का जो बीच में जॉइंट होता है उसके साथ में प्लैंक नहीं लगता, जो जॉइंट है उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे प्लैंक लगाते हैं। तो ये पैटर्न आपको समझना है, ये पैटर्न आप देख सकते हैं कैसे लगा है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी जो लाइन है एज इट इज लग जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पूरे के पूरे प्लैंक लगेंगे। बस स्टार्टिंग में जो है आपको मेक श्योर करना होता है कि इस पैटर्न को आप फॉलो करें। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, बार बार देखिए, तब जाके आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने पूरा प्लैंक लगाया, अब जो नेक्स्ट प्लैंक लगेगा वो आधा लगेगा। बेसिकली एक प्लैंक पूरा लगता है, उसके साइड में आधा, फिर एक पूरा, फिर उसके साइड में आधा। एक बार जब ये पैटर्न बन जाता है उसके बाद में हम पूरे पूरे करके प्लैंक एक वन बाय वन इंस्टॉल कर देते हैं। हम यहाँ पे बॉन्ड से लगा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कोई भी यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई भी बॉन्ड यूज़ करता है। बॉन्ड काफ़ी महंगा पड़ता है इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। प्लैंक्स में हम कोशिश करते हैं कि बॉन्ड से ही इंस्टॉल करें, इसलिए हो सकता है हमारे चार्जेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हों। अभी तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो रिमेनिंग एरिया था उसके ऊपर आधा प्लैंक तो काटा ही, उसके अलावा भी यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा वो बड़ा था 1-2 inch, तो उसको भी काट के हमने यहाँ पे आधा प्लैंक लगा दिया। अब यहाँ पे पूरा का पूरा प्लैंक लगाएंगे। हम कटिंग जो करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ कटर करते हैं, इजीली मिल जाता है मार्केट में 20 रुपये का, तो उससे आप चाहे विनाइल शीट हो चाहे विनाइल प्लैंक्स हो वो इजीली कट करके उसको पेस्टिंग कर सकते हैं। यह आप देख सकते हैं साइड से थोड़ा सा बड़ा है तो साइड से कटिंग हो जाएगी, एंड ये प्लैंक जो है इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। प्लैंक के साइज़ की बात करें तो प्लैंक जो है उसकी लंबाई जो है वो होती है 3 feet, या इंचेस में बात करें तो 36 inch का एक प्लैंक होता है, एंड जो चौड़ाई होती है प्लैंक की वो होती है 6 inches। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो भी आपका कारपेट एरिया हो मिनिमम उस पर 10-20% वेस्टेज आप एक्स्ट्रा लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल आपका एरिया है 300 square feet,
तो उसके अंदर आप 30 मतलब 330 स्क्वायर फीट भी आप लेकर चलें, जो भी वेस्टेज वगैरह होगी वो सब आपकी होती है। बेसिकली हम बॉक्सेस के हिसाब से करते हैं, एक बॉक्स में 54 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है, तो जितने भी आपके बॉक्सेस लगते हैं उस हिसाब से हम जो है चार्जेस लेते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था कि विनाइल टाइल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड थी, तो उसको ब्रेक करा पहले। जो ब्रेकिंग के चार्जेस होते हैं, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा होगा, जैसे कि फ्लोर ईवन नहीं है तो उस पर POP करनी है, पुरानी टाइल्स रिमूव करनी है, तो इन सब के भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भैया आपने तो कहा था कि 70 रुपये स्क्वायर फीट में आप सब कुछ करेंगे। बिल्कुल करेंगे। 70 रुपये स्क्वायर फीट में क्या क्या इंक्लूडेड है मैं वो बता देता हूँ। 70 रुपये स्क्वायर फीट में आपके प्लैंक्स इंस्टॉल्ड, प्लैंक्स एंड उनकी इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड है, बॉन्ड या फिर SR जो भी उसका एडहेसिव लगेगा वो इंक्लूडेड है, GST इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है। बट अगर आपका फ्लोर ईवन नहीं है, उस पर POP करना है, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। वो डिपेंड करता है कितना एरिया डैमेज है। अगर पुरानी टाइल्स रिमूव करनी है जैसे अभी कर रहे थे, तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, राइट? क्योंकि उसके अंदर पूरा टाइम लगता है, जैसे कि इस एरिया की टाइल्स जो हमें रिमूव करने में, ये जो आप देख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 घंटे लग गए थे, क्योंकि बहुत मतलब मुश्किल था इसको ब्रेक करना, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, तो एक अलग से लेबर बुलाई गई एंड देन उसके बाद इसको रिमूव कराया गया। ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक लेयर जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे POP से हम जो कहीं कहीं डैमेज था फ्लोर, उसको हम सही करते हैं, मतलब ईवन करते हैं। तो काफ़ी ईजी होता है। POP जो होती है उसके अंदर पानी मिलाते हैं, थोड़ा सा पेस्ट बनाते हैं, एंड जहाँ जहाँ पर भी लगानी होती है ईवन करने के लिए, जहाँ से भी बेसिकली ये फ्लोर डैमेज था, थोड़ा सा नीचे हो गया था, ठीक है, तो उसके ऊपर लगा दी, एंड देन इसके बाद इसको सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया गया। तो इन सब के चार्जेस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। हम तो प्रेफर करते हैं कि आप खुद ही कराए, राइट? बट इन्होंने कहा था कि हमारे पास थोड़ी लेबर की कमी है, एंड ये सबसे बड़ा बेनिफिट था कि ये जो इंस्टॉलेशन होनी थी हमारे शोरूम के बहुत पास होनी थी। हमारी जो सर्विसेज अवेलेबल है वो है अवेलेबल सिर्फ दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद एंड नोएडा में। तो ये आप देख सकते हैं ऑफिस कंप्लीट हो गया है, एंड ये एक जो कैबिन है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इस काम को करने में हमें 2 दिन लगे थे, क्योंकि एक दिन में तो सिर्फ हमें टाइल्स को ब्रेक करने में एंड रिमूव करने में ही लग गया था। उसके बाद मैं आपको सीधा फाइनल लुक दिखा देता हूँ आपको फाइनली, कि दूसरे दिन में हमने ऑलमोस्ट ये काम कंप्लीट कर दिया था। ये आप देख सकते हैं सेकेंड डे है, ये वाला काम हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो प्राइस है विनाइल प्लैंक्स का वो है 70 रुपीज स्क्वायर फीट विद इंस्टॉलेशन इन दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव एंड नोएडा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लूवर्स ये 14 या 15 mm, एक्चुअल में इसको 15 mm कह के लोग देखते हैं। साइज जो होता है इसका 14 mm का, ये आप डिस्प्ले देख सकते हैं। पास जो ये PVC पैनल का जो स्टैंडर्ड साइज होता है, वो इसकी जो लेंथ होती है 10 फुट, एंड जो विड्थ होती है, ये चौड़ाई, वो होती है 10 इंच, 10 फुट बाय 10 इंच का ये एक पैनल होता है। ये हमारा 10 mm की जो है ये ग्रास है, ये रिटेल रेट में बता रहा हूँ। बोलते हैं एम्बोस्ड, जो ये एम्बोसिंग हो रखी है पूरी वॉलपेपर की, तो ये डिस्प्ले है, ये जो है 25 mm की ग्रास है, आपके सामने देख सकते हैं। हमने दीवार पे लगाया है इसको, आप जमीन पे भी लगा सकते हैं, दीवार में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं। इसके अंदर आप थोड़ी लाइटिंग कर देंगे तो ये और बेहतरीन लगेगी। WPC लूवर्स एंड चारकोल पैनल, ये कुछ चारकोल पैनल के हमने डिजाइन लगाए हैं, तो ये भी आपको हमारे पास मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, हमारी पर्सनल कैटलॉग्स हैं वो, हमारे स्पेसिफिक डिजाइंस हैं वो, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ऑल्सो आप देख सकते हैं पेपर क्वालिटी काफी प्रीमियम क्वालिटी की है, और इस अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज करने का ये फायदा रहता है कि अगर दीवार आपकी थोड़ी सी अंड्यूलेशन है या फिर उस पर प्रॉपर प्राइमर नहीं हो रखा, फिर भी वॉलपेपर एकदम स्मूथली चिपक